जब सिनेमा के पर्दे पर इस वैम्प ने अपना जलवा दिखाया तो उसका जादू हर तरफ छा गया। इस खूबसूरत हसीना ने सबके दिलों को निशाना बनाया था। उन्नीस के दशक में डांसिंग क्वीन, आइटम गर्ल और केमियो स्टार के तौर पर लोकप्रिय इस एक्ट्रेस ने अनेक मशहूर गानों पर जानलेवा डांस करके दर्शकों का दिल जीता था। दोस्तों, इन गानों पर अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली इस हीरोइन को शायद आपने पहचान लिया होगा। इस वीडियो में आपकी इसी एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़े उस राज को बताने जा रहा हूं जिसके कारण यह एक्ट्रेस ताउम्र कुंवारी रह गई थी। इस वीडियो में यह भी बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों अपनी खूबसूरती और अदायगी से लाखों लोगों के दिलों को जीतने वाली हीरोइन अचानक ही फिल्मों से गायब हो गई क्यों। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट शिवा गणेश। फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जिस हीरोइन की चर्चा करने जा रहा हूं, उसे लोग कल्पना अय्यर के नाम से जानते हैं, जिसने फिल्मों में आइटम नंबर्स को एक नई पहचान दी। लेकिन उसके जीवन से एक ऐसा गम जुड़ा हुआ है जो आपसे हमसे अपरिचित सा है। तो चलिए उसके विषय में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी कल्पना अय्यर की बात होती है तो यकायक उन पर फिल्माए गए गाने जेहन में आ जाते हैं। कल्पना अय्यर न केवल बेहतरीन एक्ट्रेस रही बल्कि जबरदस्त पॉप सिंगर भी रही, जिन्होंने कई लाइव शोज में परफॉर्मेंस भी दिया है। कल्पना अय्यर का जन्म बंबई में 17 अप्रैल 1956 को हुआ था। 70 के डिकेड्स में मॉडलिंग से शुरुआत करने वाली कल्पना अय्यर 1978 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप रही। इसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और टॉप 15 सेमीफाइनलिस्ट में जगह बनाई। इसी दौरान उन्हें राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मनोकामना का ऑफर मिला। इस फिल्म में वह वेस्टर्न लुक में नजर आई थी जिसे काफी पसंद किया गया था। तुम्हारा प्यार चाहिए। वह 1980 और 1990 के डिकेड्स की एक प्रसिद्ध वैम्प रही हैं। कल्पना अय्यर की बेहतरीन एक्टिंग का नमूना अंजाम, राजा हिंदुस्तानी, हम साथ साथ है और सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्मों में देखने को मिला। उन्होंने डिस्को डांसर, लाल दुपट्टा मलमल का, वारदात, अंजाम, राजा हिंदुस्तानी, सत्ते पे सत्ता, चोर पुलिस, प्यारा दुश्मन, द डिजायर्स, दिल ही दिल में, जख्मी औरत, बड़े दिल वाला, तुम मेरे हो, चीख, मिल गई मंजिल, माँ कसम, लाडला, हम है लाजवाब, लूट मार, साजन की सहेली, हिरासत, सवाल, अपना बना लो, आखिरी संघर्ष, आसमान से गिरा, तेरी बाहों में, खुद्दार, आपस की बात, मेहरबान, अभी तो मैं जवान हूँ, अविनाश, शारदा, दादा, हमसे बढ़कर कौन, कातिल और आसिक, मनोकामना,
जैसी 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और फिर अचानक ही कल्पना अय्यर फिल्मों से गायब हो गई। बॉलीवुड स्टार अमजद खान यानी गब्बर के साथ कल्पना अय्यर का अफेयर खूब चर्चा में रहा। कहा जाता है कि कल्पना अय्यर अमजद खान के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि अमजद खान की मौत हो जाने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की, वह आज तक कुंवारी ही हैं। एक इंटरव्यू में कल्पना से जब शादी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, मैंने शादी क्यों नहीं की, जैसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सकती, शायद मुझ में शादी करने की हिम्मत नहीं थी या फिर मैं शादी के लिए बनी ही नहीं थी, रिश्ते बनाना बहुत तकलीफदायक होता है, मैंने शादी की होती या फिर कम से कम मेरा कोई बच्चा होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। 1999 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं में काम करने के बाद कल्पना दुबई में सेटल हो गई। वे वहाँ रेस्टोरेंट चलाती हैं। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कल्पना ने दुबई शिफ्ट होने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था, कुछ तकलीफों और परेशानियों के चलते मैं दुबई शिफ्ट हो गई। पर्सनल मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके कारण मैं बुरी तरह से टूट गई थी और इस वजह से मेरी फैमिली को भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तभी राजन सिप्पी और उनकी वाइफ ने मुझे दुबई में आने का मौका दिया और काम दिया। इस तरह मैं दुबई में राजन के रेस्टोरेंट द मुगल रूम में हॉस्टेस बन गई। बाद में मुझे एम्बेसडर होटल के मालिक ने अपने यहाँ नौकरी दे दी। कल्पना अय्यर फिल्मी दुनिया और ग्लैमर की चकाचौंध से दूर दुबई में है और अब वहाँ अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं, लेकिन बॉलीवुड अब भी उनके दिल में बसता है। यह बात कल्पना अय्यर के फैंस को चौंका सकती है और साथ ही उन लोगों को भी जो कल्पना अय्यर जैसी बोल्ड और बेहतरीन एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन कल्पना अय्यर को इस बात से कोई गुरेज नहीं कि वह फिल्में छोड़ रेस्टोरेंट चला रही हैं, वह अपनी जिंदगी में खुश हैं। Hari Om 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 Hari